जो इस त्रासदी को कितने सालों से झेल रहा है, अगर हम बात करें तो जितने भी आक्रमक थे, तुर्कमेनिस्तान से आने वाले, इराक से आने वाले, मेसोपोटामिया से आने वाले, सबने हिंदुओं का नरसंहार किया है। हॉलोकॉस्ट को यूनाइटेड नेशंस ने हॉलोकॉस्ट से नरसंहार किया जाता है तो उसको हॉलोकॉस्ट बोलते हैं, उसको जिनोसाइड बोलते हैं। और अगर यह किया गया, जब खोपड़ियों के पिरामिड बना दिए गए वो हिंदू का नरसंहार है। अगर हम आज की डेट में भी अगर आप इंटरनेट पे गूगल पे भी सर्च करें हिंदू जिनोसाइड, आपको सिर्फ एक या दो लोगों को छोड़कर जो कि हिंदू जिनोसाइड के ऊपर काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लोग इस बात को मानते ही नहीं। पीओजे जेके से जो रिफ्यूजीज आए उन्होंने इस त्रासदी को झेला है, वो लोग यहाँ पे इतने ज्यादा है, लेकिन सरकार की तरफ से एक ऐसा यहाँ पे बनाया गया कि भैया आप अगर अपनी त्रासदी की बात करोगे तो आप इसको हिंदू मुसलमान का इशू बना दो, आप यहां का माहौल खराब कर दो। और ये बात सिर्फ जो यहां की राज्य सरकार है उसने ही नहीं की, ये भारत सरकार की तरफ से जो उस वक्त के प्रधानमंत्री और जो हमारे नेता थे उनकी तरफ से भी एक ऐसा ही नैरेटिव क्रिएट किया गया है कि हमारे जो नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान उसकी बनती है। और सबसे पहला जो हमारे ऊपर आक्रमण यहां पे हुआ वो 1947 में हुआ, और मीरपुर के अंदर एक ही दिन 50,000 हिंदू और सिखों को मार डाला गया। इसके अलावा वहां पे हजारों के हिसाब से जो औरतें थी उनको रेप किया गया, और हजारों के हिसाब से जो औरतें वहां से अगवा की गई जिनको लाहौर और पेशावर की मंडियों में जाके बेचा गया। लेकिन मंच पे बुलाना चाहूंगा, उनकी भी एक प्रेजेंटेशन है डॉक्टर गोपाल भट्टा साहब लिया गया जो बहुत पहले लेना चाहिए था, लेकिन देरी से सही जो कदम उठाया जो बिल्कुल कमेंडेबल है, वो इसकी बड़ी जरूरत भी थी। मैं शुरू इस बात से करता हूं कि हम जब कलकत्ता की बात करते हैं तो बोलते हैं कैपिटल ऑफ कल्चर, कैपिटल ऑफ इंडिया। बॉम्बे की बात करें तो वो जी मैम, आपका नाम? आरती अग्रवाल। जी मैम, आज यहाँ पे इंटरनेशनल हॉलिडे मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हिंदूज ने बहुत सारे क्राइम्स सफर किए हैं पास्ट में, ये अभी के आज की कहानी नहीं है, हम आज इस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये कहानी बहुत पुरानी है। फॉर 1400 ईयर्स हिंदूज हैव बीन परसिक्यूटेड ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, द बिगेस्ट वन बीइंग रिलीजियस हेट्रेड। ठीक है, तो जैसे कि मैं अभी बोल रही थी कि जो जूस का जो नंबर है, जो संख्या उनकी, वो 6 मिलियन है इन द होलोकॉस्ट, और जो पूरी होलोकॉस्ट थी वो 18 मिलियन थी। एंड भले ही लोगों को ये नंबर्स ना पता हो आजकल, बट उनको ये पता है कि ऐसा कोई जेनोसाइड, ऐसा कोई होलोकॉस्ट हुआ था, पूरे विश्व में उसको मेमोरियलाइज किया जाता है। राइट, यू कैन सी दैट हैशटैग ट्रेंडिंग टू रिमेम्बर विच इज फॉर दिस। बट जो हिंदूज का जेनोसाइड है उसका हमने जो काउंट किया है, ओनली रिपोर्टेड क्राइम्स एंड रिपोर्टेड जो भी रहे हैं मैसेकर्स, उनको ऐड करके 536 मिलियन के एक्सेस में है। यहाँ अभी तक काउंट कर पाया, द काउंटिंग इज स्टिल ऑन गोइंग, वी आर नॉट फिनिश काउंटिंग। तो आप उसको नंबर को कंपेयर करिए, 18 मिलियन और 536 मिलियन, बट उसके विषय में कहीं कोई चर्चा नहीं होती है। एंड दीज आर नॉट जस्ट क्राइम्स, वी आर टारगेटिंग हिंदूज फॉर बींग हिंदूज। इट इज अ रिलीजियस हेट्रेड क्राइम कि आप उनके ऊपर डोमिनियन चाहते हैं, आप उनके ऊपर अपना राज चाहते हैं, यू वॉन्ट अस टू बी योर स्लेव्स, दैट इज वॉट इट मीन्स। सो उनका उनकी देखिए उनकी तरफ से बहुत क्लियर है, आज तक चुप रहे थे और आज ये जो डे है मनाया जा रहा है और ये सब बातें निकल जा रही है, कहीं ना कहीं रिलीजियस पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा इस चीज से? देखिए, रिलीजियस पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा ये तो मैं प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकती हूँ, बट इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर हिंदूज टू वेक अप टू देयर ओन हिस्ट्री। एंड ऐसा नहीं कि आज तक कहीं भी बात नहीं हुई है, बात तो हुई है, अदरवाइज हम लोग कैसे पता है? वी ऑल्सो हैव रेड ऑल, राइट, वी हैव रेड नहीं उठाई किसी ने, यस, बट वी डोंट नीड टू रेज आवर वॉइसेस बिकॉज वेरी सून इट माइट बी टू लेट। एंड जस्ट बिकॉज समथिंग हैज नॉट बीन डन फॉर सो मेनी इयर्स डजंट मीन इट शुड नॉट बी डन।
जो सही है वो तो सही है ना. वी आर नॉट लाइंग हियर, वी आर स्पीकिंग द ट्रूथ. देर इज नो गुड टाइम टू स्पीक द ट्रूथ, एनी टाइम इज गुड टाइम टू स्पीक. सो वेदर यू हैव स्पोकन इन द पास्ट और नॉट, आपने पहले उस पर चर्चा की है नहीं की है, मैं आई डोंट मेक ब्लैक एंड व्हाइट स्टेटमेंट. सो की है चर्चा डेफिनेटली, बट दैट स्केल नीड्स टू बी बिगर इन प्रोपोर्शन विद द एक्सटेंट ऑफ क्राइम्स. लाइक आई गेव द फिगर राइट, 18 मिलियन और 536 मिलियन को आप कंपेयर करके मैच करके देखिए, उस स्केल पे बात नहीं हो रही अगर नहीं दिया पास. मैम क्या मैसेज देना चाहेंगे जम्मू वासियों को आज? देखिए जम्मू वासियों को मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि दे शुड टेक प्राइड इन बीइंग अ हिंदू एंड दे नीड टू बी अनअपोलोजेटिक अबाउट एटलीस्ट एक्नॉलेजिंग दैट जेनोसाइड हैज हैपेंड अगेंस्ट ह्यूमंस. दैट सेंस ऑफ अपोलॉजी हैज टू बी रिमूव्ड. कि जो एक वो सेंस लगता है ना कि अरे हम इस तरीके से बात कर लिए, पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है, सोशली करेक्ट नहीं है, राइट? वी आर नॉट प्रीचिंग हेट्रेड अगेंस्ट एनीबडी, वी आर सिंपली टॉकिंग अबाउट आवर हिस्ट्री एंड अबाउट व्हाट वी आर ऑलरेडी सफरिंग. दिस इज नॉट पास्ट अलोन, दिस प्रेजेंट ऑल्सो. दैट इज व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू टॉक अबाउट. फाउंडेशन की तरफ से आज हम यहाँ पे इंटरनेशनल होलोकास्ट मेमोरियल डे मना रहे हैं. ये जो दिन है January 27th को मनाया जाता है, जिस दिन रशियन फोर्सेस ने ज्यूज़ का जो ऑस्विच कैंप था वहाँ पे उसको लिबरेट किया, और जो ज्यूज़ 6 मिलियन ज्यूज़ जो मारे गए उसकी याद में ये एक दिन मनाया जाता है. तो इस दिन को हमारा यहाँ पे जम्मू में मनाने का आज का पर्पस ये है कि लगातार हिंदुओं की जिनोसाइड भी जो है वो हिंदुस्तान में लगातार चलती रही है. और अगर हम 1947 से ही कहें तो पाकिस्तान जो है उसने सबसे पहले हिंदू जिनोसाइड जम्मू कश्मीर रियासत में शुरू किया, और मीरपुर में अगर आप देखें तो एक ही दिन में 50,000 लोग मार डाले गए, और उन लोगों की जो आज भी है उनको कोई याद नहीं किया जाता, ना ही उनकी जो परपेट्रेटर्स थे उनको मतलब कि कोई पनिशमेंट हुई. इसके अलावा मीरपुर, कोटली, भीमबर और मुजफ्फराबाद में हज़ारों औरतों को वहाँ पर रेप किया गया, और वहाँ से लोगों औरतों को वहाँ से किडनैप करके वो लाहौर और पेशावर की मंडियों में उनको बेचा गया. तो इसके अलावा अगर हम रिसेंट देखें तो 1990 में कश्मीर में एक हिंदू जिनोसाइड हुआ जिसमें हमारे कश्मीरी पंडित भाई जो है उनको वहाँ से निकाला गया, लेकिन उसके ऊपर भी आज भी कोई प्रोसिक्यूशन जो है वो नहीं हुआ है. तो हम ये भारत सरकार को चेताना चाहते हैं कि जो हिंदू जिनोसाइड लगातार चल रहा है, और पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री बन के उभरी है जो पिछले 72 ईयर से एक जिनोसाइड की प्रक्रिया वहाँ पे चल रही है, जिसमें आप लगातार देखते होंगे कि हिंदू और सिख माइनॉरिटीज जो हैं पाकिस्तान में वो लगातार शिकार हो रही हैं. तो हम ये कहते हैं कि भारत सरकार को एक तो हिंदू जिनोसाइड का जो है उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, इसकी अलावा जो इंटरनेशनल फोरम पे यूनाइटेड नेशंस हैं उनको भी हिंदू जिनोसाइड, सिख जिनोसाइड को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, और उसके लिए एक दिन मुकर्रर किया जाना चाहिए. इसके अलावा जो लोग इस जिनोसाइड में शामिल हैं उनकी प्रोसिक्यूशन की भी बात होनी चाहिए. सर अपना नाम बोलना. अच्छा, आप जम्मू, मैं प्रधान हूँ जेके यूनिटी फाउंडेशन का.